फुटबॉल की बेटी है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम जनी पब्लिक स्कूल आजाद नगर है। मैंने ये प्रोजेक्ट का नाम रखा है ऑटोमेटिक सैनिटाइजर टनल। ये सिर्फ एक क्लैप करने से ही ये चल जाता है। मैंने इसमें क्लैपिंग का सिस्टम इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम लोग इसमें स्विच लगा दें तो उसमें संक्रमण का खतरा रहता और ये प्रोजेक्ट कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैंने ये प्रोजेक्ट 1500 रुपए में बनाया है और मैंने ये इसे लॉकडाउन के अंदर ही बनाया है और घरेलू चीज़ों से बनाया है और बस मैंने जितनी घर पे मेरी बेकार चीज़ें थी उसी से बनाया है। ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं हुआ। इसमें आपको कितना वक्त लगा है और आपने अपने घर से क्या क्या चीज़ ऐसी इस्तेमाल करी है जो इसको आपने बनाने में सक्षम हुए हैं? मुझे इसको बनाने में 1 मंथ लगा है और मैंने इसमें एक क्लैपिंग स्विच मॉड्यूल लगाया है, एक बकेट लगाई है, एक पंप मोटर, रबर वायर्स और इसमें मैं एसी सप्लाई देता हूँ और नोजल भी लगाया है। ये आपके ताली बजाने से ही चलती है और आपकी ताली बजाने से ही बंद हो जाती है? हाँ, क्योंकि इसमें एक माइक लगा है जो कि वॉइस को कैच कर लेता है और फिर चल जाता है। आप अपने ही साथी के बराबर के लड़कों को या आपके स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों को ऐसे नए नए इन्वेंशन अपने देश के लिए और समाज के लिए बनाता रहना चाहिए। हमारे पुत्र सूर्यवर्धन द्विवेदी हैं जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल आजाद नगर के छात्र हैं। इन्होंने कोरोना पैंडेमिक में एक इनके मन में विचार आया कि लोग इतनी महंगी महंगी टनल बना रहे हैं जो कि बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ मंदिरों में लगी हैं, तो उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की कि क्यों ना मैं एक ऐसी टनल बनाऊँ जो कि गरीबों के मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच में काम करे, जिसका ही खर्चा भी बहुत कम हो बनाने में। तो मैंने इनको उत्साहित किया कि ठीक है आप बनाइए। तो इन्होंने घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों से, घर में जैसे बम्बू पड़ा हुए थे और कार्डबोर्ड के डिब्बे पड़े हुए थे, बेकार कूलर की मोटर पड़ी हुई थी, इन सब चीज़ों का सामान को लेके इन्होंने जो है इस टनल को बनाया जो कि बहुत ही अच्छा इवेंट है। ताली बजाने से चलता है, ताली बजाने से बंद हो जाता है, जिससे कि कोई इलेक्ट्रिक स्विच नहीं छूना पड़ता है, जिससे कि संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। आपको सर अपने बेटे के ऊपर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना आगे जा रहे हैं, जो हम लोग अपनी उम्र में नहीं कर पाए वो अपनी उम्र में कर रहे हैं और देश की और समाज की सेवा करने की इनके अंदर एक ललक है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मैं गरीबों के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ और इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा, बहुत कम उसमें मात्र इन्होंने 1500 रुपये मुझसे लिए, मुझसे भी नहीं लिया, बोले मैंने अपनी पॉकेट मनी में जोड़ रखा है। मैंने कहा नहीं, वो रखे रहो और बनाओ, जिससे कि ये आगे समाज में गरीब लोगों मध्यम वर्गीय परिवारों में के काम आए। लोग आज से कोरोना महामारी इतना ज़्यादा परेशान है, इससे बचेंगे कम खर्चे में, लोगों को आजकल कमाना मुश्किल है तो इतनी महंगी महंगी टनल्स कहाँ से लाएंगे, ये टनल्स उनके बहुत काम आएगी। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके के आगे भी इन्वेंशन करते रहें। इन्होंने पूर्व में भी कई जैसे ब्लाइंड स्टिक बनाई है जो कि अंधे लोगों को रास्ता बताती है, काम करती है। एक इन्होंने सेंसर लोग सेंसर अलार्म बनाया जो कि अगर कोई चोर या कोई उसको छुएगा तुरंत बात नहीं खराब कर जाता है, तो कई मेंशन इन्होंने किए हैं।